बाल विवाह के खिलाफ यूएनओ में देश की आवाज बुलंद कर बिहार की आइकॉन बनी पटना जिले की कोरहर मुसहरी की पूनम की बालिका वधु बनने पर बवाल खड़ा हो गया है। उन पर बाल विवाह करने का आरोप लगाया जा रहा है। पूनम ने इस आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि वो बालिका वधु नहीं बनी। पूनम ने कहा कि उनकी शादी किसी ने जोर जबरदस्ती से नहीं कराई, बल्कि उसने अपनी मर्जी से की है। पूनम ने बताया कि उसने राघोपुर मुसरही के रहने वाले 22 वर्षीय शंकर से शादी की है। उनके बाल विवाह की सूचनाएं निराधार हैं। बाल विवाह रोकने के लिए कहां कहां गई थी तुम? बाल विवाह रोकने के लिए अमेरिका गए, दिल्ली गए, और जो हमारे मुसर समुदाय के हैं, जैसे कि पटना में। अमेरिका में कितना दिन रही थी? अमेरिका में हम लोग 7 दिन रहे थे। क्या करती थी वहाँ? वहाँ पे जाके मीटिंग होता था, वहाँ पे भाषण देते थे बाल विवाह पर। बाल विवाह पर कैसे, बाल विवाह को रोकने का क्या सिस्टम था? क्यों जाती थी, क्या कुछ गा कर या कैसे बताती? हाँ, माटम नाटक के माध्यम से और संगीत के माध्यम से। कैसे बाल विवाह का संगीत गाती थी, एक आध बताओ? बाला विवाह न करिया ये साखी सब करे महिला पसंद से। वो हमको लगता है फुलवारी का कई गांव में हम लोग नाटक करवा के शिक्षा के प्रसार किए हैं और बाल विवाह रोकने का संदेश दिए हैं। पूनम उसमें शामिल रहा। पूनम दिल्ली गई हुई है 1-2 बार। पूनम अमेरिका गई है। पूनम को हम अमेरिका जाने के लिए इसलिए नहीं चुना कि उधर हमारे पास कोई और लड़कियाँ नहीं थी, समझे ना? मेरे पास 150 लड़कियाँ हैं, उसमें से कम 50 लड़कियाँ हैं जो 8th, 9th, 10th में पढ़ने वाली है। उसमें से और भी लड़कियाँ हैं जो जाने लायक है, जा सकती थी, लेकिन हम पूनम को चुने हैं क्योंकि उनकी क्षमता बोलने का, गाने का, नुक्कड़ करने का, बातें समझने का, ये सब चीज़ उसमें काफ़ी क्षमता। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप Twitter पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। Facebook पर आप newsindia.nimsunai पर हमें लाइक कर सकते हैं।